उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में चार दिन पहले रेलवे गंज इलाके में इसरो के जूनियर साइंटिस्ट के घर पर 25 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट के आरोप में पुलिस ने जूनियर साइंटिस्ट की पत्नी की बहन और एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में हालांकि कुछ अन्य लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस ने मुस्कान की बहन और एक महिला को गिरफ्तार कर उनसे लूट में किए गए सारे जेवर और सामान को फिलहाल बरामद कर लिया है और पुलिस इस मामले में लगातार पूछताछ में जुटी है, जबकि दूसरे व्यक्ति की तलाश पुलिस की ओर से की जा रही है। 31 मार्च रोज की शाम को शहर में रेलवेगंज चौकी के अंतर्गत एक सूचना प्रेषित की गई कि एक घर में घुस करके तीन बदमाशों द्वारा गर्भवती महिला पर हमला किया और 25 लाख की लूट कर दी। इसके अभियोग दर्ज करके, चूंकि इतनी सनसनीखेज घटना थी, इसमें अभियोग पंजीकृत करके पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया, लेकिन घटना घनी आबादी में होने के बावजूद इसका खुलासा नहीं हो पा रहा था। सीसीटीवी फुटेज वगैरह में कहीं भी तीन बदमाश आते आते नहीं दिखाई दिए। इसी क्रम में मेरे द्वारा ये जनपदीय पुलिस के साथ साथ स्वाट सर्विलेंस एसओजी लगाया गया और आज दिनांक 2 अप्रैल को ये खुलासा हुआ है कि जो समय पीड़िता बताई गई थी उसके द्वारा स्वयं अपने ननद के जो कि शादी होने थी उसके गहने और अन्य सामान चुरा करके और अपनी एक जानने वाली महिला को दे दिया था। इसका नाम अनिता गुप्ता है। इसमें षड्यंत्र में इसकी बहन तनु भी शामिल है और एक अन्य व्यक्ति का भी नाम सामने आ रहा है जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। समस्त माल, समस्त गहने, जो रुपये बताए गए थे, सब बरामद कर लिए गए हैं। क्या कैसे षड्यंत्र बनाया था, क्या जो है इन लोगों से आपने जानकारी? जो अभी तक पता लगा है, ये जो पीड़िता महिला थी उसके अपने गहने किन्हीं पारिवारिक मायके की परिस्थितियों में उसने कहीं दे दिए थे जो कि अब उसके पास नहीं थे। घर में एक शादी होने वाली थी ननद की, जिसके लिए सामान सब आया हुआ था। उसके ऊपर प्रेशर था कि वो गहने जो उसके खुद के थे उसको पहनना पड़ता। इसी दबाव में इसको जब और कुछ नहीं सूझा तो जब उसके घर में कोई नहीं था, सास और ननद कहीं बाहर गए हुए थे, अपनी बहन और अन्यों के साथ मिल करके इसने ये षड्यंत्र किया और यह सब सामान खुद ही ये अभियुक्त है अनिता को दे दिया था।